गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्डर आता है, या अगर हम बात करें जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जिक्र करते हैं तो उसके कुछ रूल और रेगुलेशन हमने पढ़े थे। और जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिज़ाइन अप करेंगे या उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे तो हमें आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर करना ज़रूरी होता है। तो उसी के तहत हम एक ऑर्डर जो है ना वो डेवलप करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जब भी मैं आइडेंटिफिकेशन करूं तो उसकी स्पीसीज क्या है, क्लास क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो किस किंगडम में आता है, तो वो सारा का सारा एक अरेंजमेंट करना, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, तो वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर आता है। तो आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। तो देखिए, टैक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रेम अप करते हैं, मतलब जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं तो वो टैक्सोनॉमी के अंडर आ जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेम्ड अंडर टैक्सोनॉमी। आपको जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को आपने इकट्ठा करना है, उसकी अरेंजमेंट करनी है, उसके बारे में जानना है, तो वो सब टैक्सोनॉमी के अंदर ही आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, उसको किस ग्रुप में रखना है, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करना, वो सब टैक्सोनॉमी के अंदर ही आ जाता है। तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर ही आ जाता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानना, उसको पहचानने के लिए हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मेरे को मैं सड़क से जा रहा हूँ और अगर रास्ते में मेरे को कोई चीज़ मिल जाए तो सबसे पहले मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये किस चीज़ से बिलोंग करती है, उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर हम उसको माइंड में उसका जो नाम है वो कंसर्न करते हैं, जानते हैं कि ये चीज़ तो फलानी चीज़ से मिलती जुलती है, ये चीज़ तो उसमें रखेंगे कि ये प्लांट है, एनिमल्स है या कोई दूसरा लिविंग बीइंग है, दूसरी थिंग्स है, तो हम उस चीज़ की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, पूरी एक हिस्ट्री जो है वो तैयार करते हैं। तो उसके अंदर आ जाता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये एक ऐसा रैंक है, ये एक ऐसा लेवल है जो एक छोटे लेवल से लेकर के और एक हाईएस्ट लेवल तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला है ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोन। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, एक की अगर मैं बात करूं तो उसको हम टैक्सोन बोल सकते हैं, और पूरी जो कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट होगी उसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक यूनिट का जिक्र करूं तो ये एक टैक्सा है, और अगर मैं इन सारों को मिला लूं ये एक ग्रुप बन जाता है इस तरीके से। ऐसे तो ये आपकी क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की अंदर जो सबसे पहले स्टेज पे है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्पीशीज का ग्रुप क्या होता है, जीनस, जो स्पीशीज मिलके जीनस बनाएगा, जीनस मिलकर के फैमिली बनाएगा, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, और अगर हम प्लांट का जिक्र करें तो डिवीज़न आ जाता है, और लास्ट में हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो बैठा है वो आता है किंगडम। तो अगर मैं इस तरीके से रन कर रहा हूँ ऐसे ही, तो ये आपका कैसा ऑर्डर है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर मैं इस तरीके से इसको पढ़ूँ, मतलब
अगर मैं किंगडम से स्पीसीज की तरफ आऊँगा तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम ऐसे आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाता है ये आपका। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप ऐसे आओगे तो, और अगर आप यहां से स्पीसीज से आप किंगडम की तरफ जाओगे तो ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने बताया कि नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टर डिक्रीज फ्रॉम लोअरेस्ट रैंक ऑफ स्पीसीज टुवार्ड्स द हाईएस्ट रैंक ऑफ किंगडम। जब आप एक लोअरेस्ट रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ जाओगे तो जो सिमिलैरिटी है इंडिविजुअल के अंदर वो धीरे धीरे से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है, डिससिमिलैरिटी हर लेवल के ऊपर क्या है, बढ़ती चली जाएगी, और सिमिलैरिटी क्या है, कम होती चली जाएगी। मतलब जो सिमिलर फीचर्स है ना वो कम दिखाई देंगे, और जो डिससिमिलैरिटी है ऑर्गेनिज्म में आगे आगे जैसे जैसे लोअरेस्ट रैंक से हाइएस्ट रैंक तक सिमिलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी, ऐसा इसमें इन्फॉर्म किया गया है। अब इसको एक याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, मेरी एक खुद की छोटी सी ट्रिक है। देखिए मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूँ कि स्पेशल घर की फैमिली का ऑर्डर से पीके मूवी देखना, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्पेशल घर की फैमिली का ऑर्डर से पीके मूवी देखना। देखो स्पेशल घर में एस का मतलब क्या है, स्पीसीज, जी का मतलब जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम या डिवीजन, और के फॉर किंगडम, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अगर आप ऐसे आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोबारा फिर बता रहा हूँ, स्पेशल घर की फैमिली का ऑर्डर से पीके मूवी देखना। आपने मूवी तो देखी होगी, खास करके पीके तो ज़रूर देखी होगी। तो जब आप सिनेमा घर के अंदर जाते हैं तो जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोलिए कि स्पेशल घर की फैमिली का ऑर्डर से पीके मूवी देखना, तो वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशल घर की फैमिली का ऑर्डर से। ये आप इसको बहुत सिंपल वे में हायरार्कियल जो कैटेगरी है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में। तो देखिए स्पीसीज, देखो बेटा स्पीसीज के अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अगर हम लोग हायरार्कियल ऑर्डर के अंदर, तो स्पीसीज के अंदर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सा है हायरार्कियल ऑर्डर का, ये जो टर्म है स्पीसीज, गिवन बाय जॉन रे, इस साइंटिस्ट ने स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। स्पीसीज क्या है, इट इज़ द लोअरेस्ट कैटेगरी, ये हायरार्कियल ऑर्डर की क्या है, सबसे लोअरेस्ट कैटेगरी है। द मेंबर ऑफ द स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। अब देखिए अगर हम ह्यूमन बांग, जो ह्यूमन बींग है, अगर हम उसकी स्पीसीज का जिक्र करते हैं, तो ह्यूमन बींग के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मान लिया कि वहाँ पे 1000 इंडिविजुअल हैं, तो वो एक ही स्पीसीज़ के हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली जो है ना मिलते जुलते मिलेंगे, और वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो वही पॉइंट लिखा गया है कि द मेंबर ऑफ द स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी मच सिमिलर। मतलब अगर हम स्मॉलेस्ट कैटेगरी का जिक्र करें ना, इस स्पीसीज में आने वाले जो मेंबर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इट फॉर्म एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन एंड इट्स इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं,
और जो उनकी प्रोजनी होगी वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगी, वो भी आगे फर्दर क्या है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल से बताया आपको, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे दो स्पीसीज लिए हैं, एक है पैंथरा टिग्रस जो कि टाइगर का साइंटिफिक नेम है, दूसरी है पैंथरा पैराडस जो कि लेपर्ड जो है उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं तो स्पीसीज दोनों अलग अलग, लेकिन इनमें मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती क्योंकि स्पीसीज अलग हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्या है, जैसे अगर हम बात करें टाइगर की और लेपर्ड की, दोनों के चार लेग्स होती हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, नुकीले जो अगर हम बात करें टीथ होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, तो बहुत सारी जो मॉर्फोलॉजी है उनकी मिलती जुलती है, लेकिन वो स्पीसीज अलग अलग हैं इसलिए वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती। और ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो होता है ना वो क्या बनाता है, जीनस। जैसे अगर वहाँ पे दो तीन स्पीसीज हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जीनस। इट इज़ द ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। तो इट इज़ द ग्रुप और असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड करेक्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर होते हैं दो स्पीसीज तीन स्पीसीज के अंदर कि वो आपस में मिलते हैं, इसलिए हम उन स्पीसीज का जो जीनस है वो एक बना लेंगे। समझ पा रहे हैं? उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे पोटैटो है आलू और ऐसे ही ब्रिंजल बैंगन, आप समझ गए होगे स्पीसीज क्या है, दोनों अलग अलग, लेकिन इन दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन है, दोनों में कोई ना कोई ऐसे करैक्टर हैं जो मिलते जुलते हैं। तो इसलिए जो पोटैटो है उसकी स्पीसीज क्या है, ट्यूबरसम, और ब्रिंजल की स्पीसीज क्या है, मेलानोजेना। अब ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों में कोई ना कोई करैक्टर कोरिलेट होने की वजह से अब इनका जो जीनस है वो सोलेनम और इसका भी जीनस क्या है, सोलेनम। स्पीसीज क्या है, डिफरेंट, लेकिन आपस में कोई ना कोई करैक्टर को रिलेट होता है, चाहे वो लीफ को लेकर के हो या उनकी मॉर्फोलॉजी को रिलेटेड हो। तो इस तरीके से पोटैटो और ब्रिंजल को सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलानोजेना, ये दो साइंटिफिक नेम है लेकिन इन दोनों की जो जीनस है वो सेम है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज कोरिलेशन होने की वजह से इनको एक ही जीनस में रख दिया। मैंने आगे एक और एग्जाम्पल लिया है, पैंथरा पैराडस और पैंथरा टिग्रस। अब देखिए जो लेपर्ड है उसकी तो स्पीसीज है पैराडस, टाइगर की टिग्रस, दोनों स्पीसीज क्या हैं, अलग अलग, लेकिन कार्निवोर हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, अपने प्रे को बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स हैं, लंबे लंबे अगर हम बात करें बॉडी के ऊपर हेयर हैं, लंबी टेल है, नुकीले दांत है, बहुत सारे करैक्टर आपस में क्या है कोरिलेट करते हैं, इसलिए हम इनकी जो जीनस है वो एक मान लेते हैं, पैंथरा। तो इनका जो जीनस है वो पैंथरा, ये भी पैंथरा है और हैंडराइट है इसलिए सेपरेटली आप इसको अंडरलाइन करेंगे। लिखने का तरीका मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी भी साइंटिफिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत नाम लिखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ बताया है कि जो टाइगर है उसके नाम को मैंने दो में लिखा है, पैंथरा टिग्रस। जो ये है ये जीनस है, जीनस का फर्स्ट नेम बड़ा रहेगा, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होता है और जो स्पीसीज होती है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। बाकी हम अभी स्पीसीज जीनस, अब हम डिस्कस करेंगे आगे फैमिली के बारे में।